आपने अक्सर सुना होगा कि एक्सपायर्ड दवाइयों को नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जब दवाई बनाई जाती है तब केमिकल मॉलिक्यूल्स उनके अंदर होते हैं जो हमारी बॉडी पर काम करते हैं, और उसकी भी काम करने की तय सीमा होती है या पोटेंसी होती है। पोटेंसी का मतलब है कि वह कितना असरदार और कितने टाइम तक काम करेगी। जब दवा बनाई जाती है तब दवाइयों की पोटेंसी टेस्ट किया जाता है कि दवा कितना असरदार है, और उस टेस्ट में ये भी पता चलता है कि ये दवा कितने दिनों तक काम करेगी। एक्सपायर्ड दवा खाने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो काम तो करती है लेकिन सिर्फ 25% ही, लेकिन साइड इफेक्ट 100% देती है, और कुछ हार्ड दवाइयाँ ऐसी होती है जो एक्सपायर्ड होने के बाद सच में जहरीली हो जाती है जिससे किसी की मौत भी हो सकती है। इसलिए कुछ कंपनियाँ एक्सपायरी डेट से पहले ही उसमें डेट को लिख दिया जाता है। ऐसा सिर्फ कुछ कंपनियाँ ही करती है, इसलिए एक्सपायर्ड दवा को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।